दोस्तों, कुछ समय से आप अपनी दिनचर्या और आदतों में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बदलाव का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसी विशेष समारोह में जाने का निमंत्रण मिल सकता है। विद्यार्थियों को अपने कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होने से राहत मिलेगी तथा व्यर्थ की मौज मस्ती और गतिविधियों में समय व्यतीत करने से अपना नुकसान ही करेंगे। वरिष्ठ तथा सम्मानित व्यक्तियों के मान सम्मान में किसी भी तरह की अवहेलना न करें। कोई पत्रक मसाला भी उठ सकता है। गुस्सा और जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक रहेगा और हां, गतिविधियां बेहतर होगी, ज्यादातर कम समय पर पूरे हो जाएंगे। मेहनत के मुताबिक फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों का काम बढ़ सकता है। अधिकारियों का भी दबाव रहेगा तथा घर का वातावरण सुखद और खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति लेने का उचित समय और साथ ही में दोस्तों दर्द और थकान जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए तनाव जैसी स्थिति से दूर रहे। मेडिटेशन अवश्य करें। भाई के लिए जग रुक कोरी होसर नहीं है, तब तक इस बारे में बातचीत ना करें। आपको मिलने वाले पैसों की चर्चा अन्य लोगों के साथ ना करें। आज दिन भर प्रफुल्लित और ऊर्जा बनी रहेगी। अपनी दिनचर्या के कार्यों के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां हासिल करने में भी समय व्यतीत होगा। किसी सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति और विचार सराहनीय रहेंगे। कहीं फंसा हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है तथा किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहे। कुछ लोग प्रतिस्पर्धा की भावना से आपके प्रति अफवाह फैला सकते हैं, हालांकि इन गतिविधियों का आपके मान सम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास ना करें तथा अपने विचारों को ही प्राथमिकता दें। और इसी के साथ दोस्तों, इन बातों का भी जरूर अपने ध्यान में रखें कि अपनी योजनाओं और इच्छाओं को मूर्त रूप देने का उत्तम समय है। इस समय का उचित सदुपयोग करें। आप में हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी और अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। स्त्री वर्ग विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व को निकालने में ध्यान देगी तथा कोई भी विशेष कार्य करने से पहले उससे संबंधित पूर्ण जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी मानहानि की स्थिति बन सकती है। क्या आपका सम्मान को ठेस पहुंच सकती है? जल्दबाजी में किसी से भी कोई वादा ना करें। पहले अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखें। और हां, दोस्तों, व्यवसाय में काम की क्वालिटी में सुधार होने की वजह से आपको अच्छे ऑनर प्राप्त हो सकते हैं। कल ग्लैमर ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि से जुड़े व्यवसाय में मुनाफा होगा। नौकरी में ऑफिशियल यात्रा के कारण निजी काम अधूरे रह सकते हैं तथा पति पत्नी में चल रहे मतभेद दूर होंगे। सोशल मीडिया तथा प्रेम संबंधों से इस समय किनारा कर ले तो बेहतर रहेगा तथा दिन भर सकारात्मक और अनुशासित दृष्टिकोण आपको प्रफुल्लित रखेगा। स्वयं की सूझबूझ से लिए गए निर्णय के उचित परिणाम हासिल होंगे। विद्यार्थियों को इंटरव्यू अथवा करियर से संबंधित प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि घर के किसी सदस्य के विवाहित जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। शॉपिंग या लेन देन करते समय ध्यान रखें, लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। व्यवसाय कारोबारी मामलों में सुधार होगा तथा रुका पैसा वापस मिल सकता है। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को स्थगित ही रखें। कोई मशीनरी या कोई उपकरण खरीदने की योजना है तो अनुकूल समय है। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पुराने अनुभव और असफलता के बारे में विचार ना करें। नई बातों पर ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। आपके सपने बड़े हैं लेकिन आर्थिक पक्ष कमजोर होने से दिक्कतें हो सकती हैं। आपको वर्तमान पर ध्यान देना होगा। विचारों से अधिक काम करने पर ध्यान देते रहें। दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि आज कुछ नई और बेहतरीन जानकारियां मिलने वाली है। कुछ विशेष लोगों से संपर्क बनने के कारण आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा और आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धियां का निर्माण करेगी। आपने कुछ और बेहतर सीखने करने की दृढ़ इच्छा जागृत होगी तथा किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ ही आपकी आलोचना होने से मन हाथ होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। वक्त किसी भी प्रकार का पेज संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें। युवाओं को अपने समय का उचित प्रतिबंधन करने की जरूरत है। दोस्तों या समय सेहत अच्छी रहेगी। अपने निवेश और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें। घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए लाल माल कर ही बोल तथा पिछला घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है कि आपका आत्मविश्वास दमाग गया है। इसके चलते आज कोई भी काम बनते बनते बिगड़ सकता है, उसी से और संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा भी मिलेगा जिसकी नकारात्मक टिप्पणियों से आप और भी निराशा महसूस करेंगे, लेकिन चिंता ना करें, यह अस्थायी चरण है और आप जल्दी ही अपना आत्मविश्वास वापस पा लेंगे।
तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों दिन की शुरुआत अच्छी सेहत से होगी। ए दिन के पहले कुछ घंटे का उपयोग शारीरिक मेहनत वाले व्यायाम में करना न भूल आई। शाम तक छोटी मोटी समस्याएं विशेषकर दांत में उभर सकती हैं। स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है, इससे बचने के लिए कुछ लोकप्रिय घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि लगातार अच्छी सेहत बने रहने के लिए आपको अपने खान पान के तरीकों में काफी बदलाव करना होगा। अखन में अधिक मीठे से बच्चे तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात कही जाए तो दोस्तों आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे आपकी उसे इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है। ऐसा आपको लगेगा आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हम सफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि अच्छे हम सफर इतनी आसानी से नहीं मिलते, लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार है। और हां, इसी के साथ करियर और धन राशिफल के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, कुछ समय से अपने कार्यालय में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और यह खूबी आज आपको अपने मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठेगी। पदोन्नति भी आपका इंतजार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों की द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। यह आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डाले तथा आज आपको ईमानदारी से काम लेना है। आज का दिन अपने काम की बड़ी क्यों पर ध्यान देने और उन महत्वपूर्ण कामों को पूरे कर लेने के लिए भी बहुत अच्छा है जिन्हें आप कुछ समय से टाल रहे हो। आप इन नीरज रूटीन कामों को पूरा करने में आलस कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप इन्हें शुरू कर दें तो बहुत जल्दी पूरा भी कर लेंगे तथा आपका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और शारीरिक मेहनत वाला कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है ये आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी डाइट कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं तो आपको अपना वजन घटता पर रहता दिखाई देगा, जैसा भी आप चाह रहे थे। आपका एक्सरसाइज कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक है और उसे हो रहा फायदा भी आपको नजर आएगा। इससे आपको और भी अच्छे और नियमित रूप से अधिक शारीरिक मेहनत की प्रेरणा मिलेगी। और हाँ दोस्तों, अपने हाल फिलहाल इसलिए धन खाया क्योंकि आपने अभिव्यक्त पूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मृग तृष्णाओं वाली परियोजनाओं में पैसे लगाए। इसीलिए दोस्तों, ऐसी लापरवाही से समय रहते बचाना बहुत आवश्यक है। अब चलिए दोस्तों, अंत में बात करते हैं एक बहुत ही प्यार सुविचार के बारे में, एक प्यारी सी कहानी जो आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगी और जीवन में सफल बनाएगी। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। कर्ण के प्रहारों का अर्जुन के रथ पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर अर्जुन को लगा कि कर्ण के बाणों में शक्ति नहीं है। महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहां जानिए अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा न समझें। क्विज बैनर। महाभारत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया अहंकार से बचना चाहिए, कभी भी दूसरों को कमजोर ना समझें। 4 वर्ष पहले। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया अहंकार से बचना चाहिए, कभी भी दूसरों को कमजोर ना समझें। धर्म। धार्म। दैनिक भास्कर। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। कर्ण के प्रहारों का अर्जुन के रथ पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर अर्जुन को लगा कि कर्ण के बाणों में शक्ति नहीं है। महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहां जानिए अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा ना समझें। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ही योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण के कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथा 20-25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के प्रहारों से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता तो श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर वे चुप रहते। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जब एक उसके बाणों से मेरा रथा थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं?
श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाण कमजोर नहीं है। तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूं और कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है, फिर भी वह तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कर्ण बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ये बातें सुनकर अर्जुन का घमंड टूट गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि में कुछ ऐसे अनोखे युग का निर्माण हो चुका है जिससे सीधे तौर पर भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होने जा रही है, जिससे आपको ऐसी दो चीज मिलने वाली हैं जिनकी आपको जीवन भर तमन्ना थी, जिसके लिए आपने जीवन भर मेहनत की है, प्रयास की है, लेकिन अब तक आपको वो चीज मिल नहीं पी है। जी हां दोस्तों, हमारा यकीन मानिए कि उनमें दूसरे नंबर की जो चीज है वो आपको इतनी अधिक खुशी देगी, आपको इतना अधिक सुख देगी कि जिसके लिए आपने सपना में भी कभी सोचा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अब आपका सपना सच होने जा रहा है, तो हो जाइए तैयार। अपनी राशि के बड़े में सब कुछ जन के लिए, जी हां दोस्तों, और यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, पूर्ण रूप से ज्योतिषी पालनपुर के बाद ग्रह गोचर पर आधारित है, इसलिए इस वीडियो में बताई गई हर एक बात पत्थर की लकीर है और आपके जीवन में ये दो बातें अवश्य होने वाली हैं, इसे कोई टाल नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की आपको सीधी कृपा प्राप्त होती चली। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो खुशी को ना चाहता हो, यानी कि वह जीवन भर सिर्फ इसीलिए प्रयास करता। राहत है कि उसे खुशी मिले, आनंद मिले और उसके जीवन में शांति और सुकून आए, लेकिन यह सबकी नसीब में नहीं होता है। कठोर परिश्रम के बाद भी सबको सुख प्राप्त नहीं होते हैं, खुशियां प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि भगवान जिसे भी सुख देना चाहते हैं उसे सुख देते हैं और जिसे भी दुख देना चाहते हैं उसे दुख देते हैं। यह तो भगवान की लीला है, लेकिन इसमें भी कुछ गहरी राज हैं, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख एक पर चला है, तो इसके लिए हमें भगवान को यह स्वयं को दूसरी नहीं मानना चाहिए। यह तो दिन और रात के समाज चलने वाला एक कम है। तो दोस्तों, जो भी कुछ हमारे जीवन में घाट रहा है उसे भगवान की लीला मानकर या भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हम आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनने जा रहे हैं। कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक नाविक कुछ यात्रियों को नदी से पार कर रहा था, जिन यात्रियों में एक साधु महात्मा भी बैठे हुए थे। तभी जब नव नदी के बेशन बीच पहुंची तो नाविक ने चिल्लाकर सभी से कहा कि जिन जिन को तैरना आता है वे अपनी जान बचावे, नदी में कूद जावे। ऐसा सुनते ही सभी यात्रियों में खलबली मच गई, क्योंकि जान सबको ही प्यारी होती है, लेकिन साधु महात्मा चुपचाप बैठी रहे। तभी अचानक उन्होंने अपना एक कमांडल उठाया और नदी से जल भर भर कर नव में डालने लगे रहा, लेकिन कुछ डर बाद कुछ ऐसा संतुलन बना कि नव स्थिर हो गई और नाविक ने सबसे कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब नव नहीं डूबेगी। चुपचाप अपनी जगह पर सभी लोग शांति से निडर होकर बैठे रहे। तो जब ऐसा साधु महात्मा ने सुना तो वे नव में से कमंडल में पानी जो उन्होंने नव में डाला था उसे पानी को उठा के नदी में वापस डालने लगे। जब ऐसी क्रिया उसे नाविक ने अच्छी तो नव को किनारे पर ले जान के बाद साधु महात्मा से हाथ जोड़कर उन्होंने ऐसा पूछा कि है महात्मा, जब हमने कहा कि नव डूबने वाली है तो आपने उसमें और पानी डाल दिया, और जब हमने कहा कि अब नव नहीं डूबेगी तो आपने नव से पानी निकालकर वापस नदी में डाल दिया। आपकी यह लीला हमें कुछ समझ में नहीं आई, तो कुछ समझाएं। तो साधु महात्मा बोले कि जब तुमने कहा कि नव डूबने वाली है तो हमने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर ईश्वर का सहयोग करने के लिए और ज्यादा पानी नव में डाल दिया, लेकिन जब तुमने कहा कि नव अब नहीं डूबेगी तो हमने उसे भी ईश्वर की इच्छा मानकर नव से पानी घर वापस नदी में डाल दिया। यानी कि ईश्वर हमारे साथ जो भी करना चाहते हैं हमें उसमें सहयोग करना चाहिए, तभी हम ईश्वर के प्रिया बनते हैं और सच्चे भक्ति बनते हैं। और इस संसार में चाहे कितने ही कष्ट हो, कितने ही दुख हो, लेकिन जो ईश्वर के सच्चे भक्ति होते हैं उन्हें कष्ट दुख तकलीफ हैं कभी ऊब भी नहीं पाते हैं,
जी हाँ दोस्तों, तो आपसे भी हमारी यही विनती रहेगी कि आपके जीवन में चाहे भले ही कितने ही कष्ट क्यों ना गुजरे हैं, आपने बहुत मेहनत क्यों ना की है, आपने कठोर परिश्रम किया है, जीवन भर सुख की तलाश की है, लेकिन आपको अब तक मनचाहा सुख प्राप्त नहीं हो पाया है, आपके कासन का अंत भी नहीं हो पाया है। जहां एक तकलीफ समाप्त होती है तो दूसरी नई तकलीफ सर उठाने लगती है। आप एक समस्या का हाल निकलते हैं तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका पूरा जीवन ही इस संघर्ष में गुजर जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ईश्वर इन संघर्षों के मध्य से आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और तब भी यदि आपको कुछ खास समझ में ना आए, सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे, तो अपने जीवन की हर एक समस्या और तकलीफ को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना है। लेकिन दुखी नहीं होना है, इसमें भी ईश्वर का धन्यवाद देना है कि है प्रभु, अब मैं जो जीवन जी रहा हूं वो आपकी मर्जी से जी रहा हूं। तब ईश्वर भी आपसे खुश होंगे और आपके हर एक दुख कष्ट और तकलीफ को हर लेंगे। जी हां दोस्तों, इस संसार में तकलीफ किसको नहीं है, हर एक इंसान पीड़ित है, परेशान है, और यदि आप गौर से समझना का प्रयास करें तो अपनी तकलीफ होगा। जिम्मेदार इंसान स्वयं ही होता है। कभी कभी इंसान ऐसे लोगों से सलाह ले लेट है जो सलाह देने के काबिल ही नहीं है, और कभी कभी इंसान स्वयं ही पाठ भ्रष्ट हो जाता है और अपने रास्ते से भटक जाता है और ऐसे ऐसे क्रियाकलाप कर देता है जिनकी सजावट जीवन भर भूगोल ताराहत है। फिर वह कभी ईश्वर को दोषी मानता है, कभी भाग्य को दोषी मानता है। लेकिन इंसान यदि सतर्क होकर चली और भगवान की भक्ति में डूबा रहे, पर ईश्वर को याद करते हुए अपने हर एक कर्म को ईश्वर को समर्पित करता चले, तो उसे कभी कष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ईश्वर किसी के दमन में कष्ट नहीं डालते हैं। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ मेहनत करने के बाद हासिल करने का प्रयास किया है, आपने बहुत कुछ सीखा भी है। जी हां दोस्तों, आपने कई लोगों से धोखे सही हैं, कई लोगों से आपने कई पीड़ाएं सही हैं, बाद में आप लोगों का सही आकलन करना भी सीख गए हैं। अब आप किसी पर अंधविश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको एक बार फिर से सटक करना चाहते हैं कि आपको दो तीन गलतियां हैं जिन्हें लगातार दोहराने की आदत है, तो आज नहीं तो कल आप उसे फिर दोहराएंगे, तो आपको उन आदतों को त्याग देना होगा, तभी आपके जीवन में उन्नति और तरक्की होगी, आपके जीवन में विकास आएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ईश्वर चाहे जितना ही आपके पक्ष में हो, आपको सब कुछ देना चाहे, लेकिन आप यदि लेने को ही तैयार नहीं होंगे तो ईश्वर आपको कुछ भी नहीं दे सकते। जी हां, याद रखिए कि ईश्वर स्वयं कभी आपके रास्ते में आकर कुछ भी आपको नहीं देंगे। ईश्वर तो किसी ऐन किसी को मध्य बनाते हैं, मध्य कुछ भी हो सकता है, चाहे वह कोई धंधा या व्यापार होगा, चाहे वह कोई दूसरा इंसान होगा जो आपका मददगार होगा और आपको एक नई राह दिखाएगा। जी हां दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी सद्बुद्धि कायम रखती होगी और आपको अपने कर्म शुद्ध और स्वच्छ रखना होंगे। जी हां दोस्तों, तो तीन चीज हैं, जींस आपको हमेशा दूर रहना है, उन्हें हम पहले आपको बता देते हैं, फिर कौन सी वो दो चीज हैं जो आपको मिलने जा रही हैं, उनके बड़े में भी आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में कितना ही तकलीफ क्यों ना मिले, कितना ही कष्ट क्यों ना मिले, लेकिन आपको भूले से भी क्रोध नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आपकी यह आदत बहुत बुरी है, आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, यही कहीं की लंबी तकलीफें, सते सते संघर्ष और कष्ट सहित आपके मां में गुस्सा कहानी दबा पड़ा है, तो जरा सी चिंगारी मिलते ही वह उठाता है और किसी अपने पर ही आपका क्रोध निकाल जाता है, जिससे आपके रिश्ते भी खराब होने लगता है और आप एक भयंकर नकारात्मकता में घर जाते हैं। तो आपको अपने क्रोध को जीतना होगा और आपको क्रोध को जीतने के लिए ईश्वर की भक्ति में जाना होगा। जी हां दोस्तों, भक्ति का मार्ग एक सात्विक मार्ग है, जो इंसान भक्ति में जीवन जीता है उसे कभी फिर क्रोध नहीं आता है। जी हां दोस्तों, दूसरी गलती जो आप अक्सर कर जाते हैं वह कि आप दूसरों पर बड़ी आसानी से भरोस कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, आप ऐसे ऐसे लोगों पर भी भरोसा कर जाते हैं जो कुछ ही समय पहले आपसे मिले थे, लेकिन आपसे चिकनी बातें करके आपसे लाभ ले जाते हैं और अब अंधविश्वास करके धोखा खा जाते हैं। तो अब आपको किसी के ऊपर भी भरोसा करने से पहले, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले बहुत विचार कर लेना है और सोच समझ कर ही उसके पुराने कर्मों का हिसाब करते हुए ही उसे पर भरोसा करना है, और उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी है। जी हां दोस्तों, और तीसरी और सबसे बड़ी गलती आप यह कर जाते हैं कि आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है आप उसे दूसरों को बता देते हैं, चाहे वह अच्छा समय हो
चाहे वह बड़ा समय हो, चाहे आपको सफलता मिले या असफलता मिले, धन लाभ और रुपया पैसा आए या जाए, आप सब कुछ दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को बताने लगता है। लेकिन दोस्तों, यह सही नहीं है। आपको अपने जीवन के बड़े में सारे राज दूसरों को नहीं बताने हैं, चाहे कोई कितना ही भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ा क्यों ना हो। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने भी हमसे कहा है कि जो जगत और मंत्र, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं चल रही हैं, जो भी घाट रहा है, हमें जो मिल रहा है, जो हमसे छट रहा है, वह केवल हमारे तक ही सीमित होना चाहिए। जब तक जरूर ना पड़े, आवश्यकता ना हो, तब तक दूसरों को नहीं बताना चाहिए, तो हमारे जीवन में सदगति प्राप्त होती है और हमें अच्छे फल प्राप्त करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, दोस्तों की हमसे जलने वाले भी हमारे बीच ही होते हैं, हमारे अपनों में ही छुपी होते हैं, और हम तो यहां तक कहेंगे कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी हमारे अपनों में ही छुपी रहते हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारी आंखों पे भावनाओं के पर्दे चढ़े होते हैं। फिर अचानक एक दिन जब पर्दे उतरते हैं तो हम चौंक जाते हैं और हमें लगता है कि ये जीवन की काली सच्चाई है। लेकिन यह काली सच्चाई नहीं है, जीवन इसी तरह चला है। दोस्तों, तो आपको भावनात्मक रूप से सटक रहना है, अपने गुप्त रहस्य किसी को भी नहीं बताना है। जब समय आएगा तो स्वयं ही लोगों को पता गा जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपने हमारी बातें समझ ली होगी और आप इन बटन को अपने जीवन में अवश्य ही अपनाएंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके ऊपर कौन सी कृपा करने जा रहे हैं और आपको कौन से विशेष लाभ प्राप्त हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में अपने जीवन में एक ऐसा विशेष योग बने जा रहा है जिससे आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जी हां दोस्तों, और यह स्थिति अगले 24 से 48 घंटा तक बनी रहेगी। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपने कहानी पर धन लगाया था तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जैसे कि आपका रुख हुआ, धन कहानी था तो वह आपको मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, बेसिक ही टुकड़ों में मिलन शुरू हो जाए, लेकिन मिलेगा अवश्य, यानी कि धन से संबंधित आपके समस्या अगले 24 घंटा में दूर हो जाएगी। आमदनी के आपके नए स्रोत बनेंगे और आपको कुछ ऐसे रास्ते पता चलेंगे, कुछ ऐसे मार्ग पता चलेंगे जहां से आसानी से धन प्राप्त किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, जब ईश्वर देने पर आते हैं तो हमें राष्ट्रीय स्वयं ही मिल जाते हैं या फिर कोई ना कोई मध्य बनकर हमारे रास्ते में ए जाता है।